हेलो एवरीवन, आई एम कपिल गर्ग फ्रॉम अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट ऑफ आरपीआईटी कॉलेज कैंपस करनाल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मल, केमिकल एंड थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टुडे नाउ लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। द We can explain these three types of effect of electric current by using some laws, like thermal effect can be explained by using the causes of heating effect, Joule's law, electric power and electric energy, electric fuse, maximum power theorem. And the chemical effect of electric current can be explained by using electrolyte, electrodes, electrolysis, Faraday law of electrolysis, Faraday and its relation, application of electrolysis, primary cell, Daniell and Lancher cell, secondary cell, lead acid accumulator. And then thermoelectric effect can be explained by Seebeck effect, Seebeck series. And then origin of Seebeck effect, neutral temperature, temperature of inversion, thermoelectric power, and the law of thermoelectricity. Okay, so let us start our first topic, that is thermal effect of current. Clear? So first hum kya start karenge, thermal effect of current. So let us start with Joule's law. What is Joule's law? When an electric current is passed through a conductor, a conducting wire, the electrical energy is converted into heat energy. Clear? जब electric current को हम pass करेंगे किसके द्वारा, एक conducting wire के द्वारा, तो जो electrical energy है वो किस में convert हो जाएगी, heat energy में. This effect is called heating effect of electric current. इस effect को हम किस नाम से जानते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं. और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जूल्स हीटिंग. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जूल्स हीटिंग. इसको हम जूल्स हीटिंग के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो बाय यूजिंग मैथमेटिकली, तो जूल्स ला हमें क्या देती थी, जूल्स देती थी हमें क्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. वेयर क्यू क्या था, हमारी अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होगी, आई क्या था अमाउंट ऑफ करंट, आर रेजिस्टेंस, टी क्या था हमारा टाइम. क्लियर है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे. उसके बाद ठीक है, हमारा जो आर था वो किस में हम लेके चलते थे, ओम्स में. ठीक है, आई करंट को हम एम्पियर में, क्यू यानी क्यू क्या था हमारा यहाँ पे, क्यू था हमारा क्या था, हीट. ठीक है, अगर हम कैलरी में लेंगे तो डिवाइड में जे आ जाएगा, अगर हम जूल में लेंगे तो डिवाइड में कुछ नहीं आएगा. ठीक है, तो आगे देखो क्योज क्या होता है, कारण क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का. ठीक है, वो देखना हमने, करंट का एक बार कारण देख लेते हैं. व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट. जब बैटरी कनेक्ट करते हैं किसी के कंडक्टर के एंड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, सेट हो जाती है. द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड. जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं. दे अंडर गो कोलिजन विद द पॉजिटिव आयन्स एंड द एटम्स ऑफ कंडक्टर. द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द आयन्स एंड द एटम्स इंक्रीज एंड हेंस द टेम्परेचर इंक्रीज. क्लियर, तो नोट डाउन करेंगे. द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू रजिस्टर इज लाइक डैट ऑफ द स्टोन फॉलिंग इन वाटर. ठीक है, बस ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है. आई होप यू अंडरस्टैंड द जूल्स लॉ. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.